ऋषिवर, यदि आप जैसे ज्ञानी और ध्यानी और समस्त ब्रह्म को जानने वाले ऋषि के मन में भी श्री कृष्ण के प्रति संशय उठा है, तो अवश्य ही समस्त संसार के मन में भी श्री कृष्ण को लेकर कई प्रश्न उठे होंगे। अवश्य होंगे प्रभु, एक नहीं अनेकों प्रश्न होंगे। श्री कृष्ण के कार्य और निर्णयों को लेकर ना तो देवों में और ना ही संसार में यह साहस है कि कोई भी उनसे प्रश्न करे। नारायण नारायण। किंतु ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, आपको तो किसी का भय नहीं? ब्रह्म ऋषि निर्भय होते हैं, वे सत्य की राह पर चलते हैं और सत्य के लिए वो किसी का भी सामना कर सकते हैं, चाहे वो ईश्वर हो या मानव। तो ऋषिवर, देर किस बात की? आपको शीघ्र ही श्री कृष्ण के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके उठाए हुए प्रश्नों का यदि कोई उत्तर दे सकता है तो वो स्वयं श्री कृष्ण है। सत्य कहा आपने महादेव। जिस श्री कृष्ण से प्रश्न करने का साहस संसार नहीं कर सकता, जिसके मिथ्या वचन सुनकर देवगण भी मौन रह जाते हैं, उस श्री कृष्ण के अस्तित्व पर अब मैं प्रश्न करूंगा। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, आज्ञा दे प्रभु। नारायण नारायण। ब्रह्म ऋषि होकर भी ऋषि विश्वामित्र श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए? देव ऋषि, विश्वामित्र जैसे अनेकों लोग श्री कृष्ण पर संशय करते होंगे, वो उन्हें अभी तक नहीं समझते होंगे, किंतु जब विश्वामित्र पूरे संसार को समझाएंगे तो पूरा संसार भी मेरे प्रभु को सही अर्थों में समझेगा। सत्य वचन। नारायण नारायण। हाँ ठीक है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। संध्या, ये दो जरा मुझे, इसमें थोड़ा जल और डालो, जल्दी जल्दी। बस बस बस, अब ठीक है। महारानी जी, यदि आप क्षमा करें तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। समझ गई, यही पूछना चाहती हूँ ना मुझसे कि अब इस महल में 56 भोग क्यों नहीं पकाते हम? हाँ, क्योंकि द्वारकाधीश को माखन और मिश्री के अलावा और कोई भोग लगाते ही नहीं थे। सही कह रही हो, पर प्रभु के स्वभाव को तो तुम जानती हो संध्या, उन्हें तो वही भाता है जो उनके भक्तों को भाता है। और उनके परम भक्त परम सखा सुदामा, उन्हें ना सादा भोजन ही पसंद है, इसलिए प्रभु को हम वही भोग लगाते हैं जो उनके सखा। देवर जी, आप रसोई कक्ष में? हाँ, क्योंकि मैं समझ गई, आप अपने कक्ष में जाइए, मैं शीघ्र ही भोजन लगाती हूँ। नहीं 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 भाभी, कृष्णा के प्रेम और आपके भोजन नहीं तो मुझे बांध रखा है,